नमस्कार दोस्तों, अब ये भी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजस्थान से। डूब गया पूरा राजस्थान, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजस्थान में अब तक 12 लोगों की मौत, 15,000 से ज़्यादा लोगों को अन्य स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के असर से राजस्थान के कुछ हिस्सों में पिछले 3 दिन से अत्यधिक भारी बारिश के कारण दोस्तों 12 लोगों की मौत हो गई है, सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार और बुधवार को होने वाला बूंदी, कोटा, झालावाड़ और दौसा का अपना दौरा भी रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मंगलवार और बुधवार को बिपरजॉय चक्रवात से प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। गहलोत मंगलवार को बाड़मेर, सिरोही और जालौर जिले और बुधवार को पाली और जोधपुर जिले का दौरा करेंगे। आपदा प्रबंधन और राहत विभाग के सचिव PC किशन ने कहा कि पिछले 3 दिन से भयंकर से अति भयंकर बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। राजसमंद, सिरोही, पाली, बाड़मेर, जालौर में बाढ़ जैसे हालात दोस्तों देखने को मिल रहे हैं। NDRF, SDRF और भारतीय सेना ने निचले इलाकों से लगभग 15,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। लगभग दोस्तों 8,500 से अधिक बिजली के खंभे गिर गए हैं, 2,000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, हजारों की तादाद में पेड़ उखड़कर गिर गए हैं। वहीं सिरोही के शिवगंज में 35 सेंटीमीटर, टोंक के नगर फोर्ट में 31 सेंटीमीटर, राजसमंद के देवगढ़ में 27, राजसमंद के कुंबलगढ़ में 25, राजसमंद के आमेट में 24 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अजमेर में 16 सेंटीमीटर बारिश हुई है। अजमेर में सोमवार को सबसे अधिक 100.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम कार्यालय के अनुसार मंगलवार के लिए दोस्तों कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है, जिनमें कोटा संभाग शामिल है। कोटा संभाग के अलावा जयपुर, भरतपुर संभाग भी शामिल है। यहाँ कुछ जिलों के अंदर आज भी भारी भयंकर बारिश, आंधी तूफान चल सकता है। चक्रवाती तूफान के कारण दोस्तों गुजरात के बाद सबसे ज्यादा तबाही राजस्थान के अंदर देखने को मिली है। पश्चिम राजस्थान के अंदर भयंकर बाढ़ जैसे हालात हैं। आज भी कई ट्रेनों को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर दोस्तों सभी कॉलोनियां पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि घुटनों तक दोस्तों पानी भर चुका है, लोगों का जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है, 44 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इतनी भयंकर बारिश राजस्थान के अंदर दर्ज की गई है। और इसी बीच बहुत बड़ी खबर सामने आई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर 2 दिन बाढ़ वाले इलाकों का दौरा करने वाले हैं। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर, नदी नाले उफान पर चल रहे हैं, कई नदियां उफान पर है, लूनी, गोमती, इन सभी नदियों में दोस्तों भयंकर पानी की आवक हुई है। आप सभी से विनती है कि नदी नालों से दूर रहें, भारी बारिश के चलते बाहर ना निकलें।